से धोखा खाया। कितनी गर्मी हो रही है, जाके मोहल्ले वालों से ना कोई बर्फ तो मांग के लाओ। मैं, मुझसे नहीं होता ये सब, आप भाभी से कहें। बस मेरे साथ चलने की तैयारी करो तुम। हाँ हाँ, आप जैसी माए है ना जो बच्चों के घर बसने नहीं देती। मतलब? मतलब ये कि दो दिन होते नहीं है इसको लेके चली जाती है, तो दिल कैसे लगेगा इस घर में उसका। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, और यहाँ का पता उसे किसने बताया? मुझे खुद नहीं पता, ये सब कामी ने किया होगा। भाई बेवकूफ आदमी है वो, और बहुत गलत किया उसने। मुझे बहुत डर लग रहा है हादी, पता नहीं अब अहमद क्या करेगा। बुजदिल आदमी है, उसने क्या करना है। आप क्यों डर रही हैं? पीछे से ही वार करता है वो, अगर फिर से उसने गुंडे भेज दिए तो। आप परेशान ना हो, हर सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकल ही आता है। यह अब अहमद किस चक्कर में है? कोमल किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाली दोबारा? आज अच्छा हम चे कब आज तुम यहाँ लेट जाते हैं? आराम से लेट जाते हैं। सेशियां करो, यू करो। ये सब क्या है? कौन है ये? बाप मेरी बेटी कायनात की बेटी। मेरी और कायनात की बेटी, किसी और की तो नहीं लाऊंगा ना। जो हूँ जैसा हूँ सच्चा आदमी हूँ मैं, और तुमसे कहा था ना मैंने तुम्हें मेरा साथ देना। ये क्या मजाक है अहमद, तुमने एक नया तरीका ढूंढ लिया मुझे तंग करने का। अरे बेबी मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगा, मैं तो सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्यों तंग करूंगा मैं। और मैं सब कुछ शेयर करता हूँ ना, सुख भी मैं शेयर करता हूँ, दुख भी शेयर करता हूँ, तो अब बेटी शेयर कर रहा। बस बहुत हो गया अहमद, इसको जहाँ से लेकर आए हो ना वहीं वापस करके आओ। अरे मैं छोड़ आता उसको कसम से, बल्कि मैं तो लेके ही नहीं आता। लेकिन मैं जानता हूँ इसकी इतनी अच्छी परवरिश इसकी माँ भी नहीं कर सकती जो तुम कर सकती हो। मैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और की औलाद को पालूंगी? मैंने तुम्हें कह दिया है इसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ कर आओ, नहीं तो। अरे नहीं तो क्या, नहीं तो क्या तुम तीसरी बार फिर से उठ के मैके चली जाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने प्यारे अहमद को छोड़ के बार बार मैके जाते हुए? देखो मेरी बात सुने, मुझे बहुत मत लगा, मैंने तुमसे कह दिया है इसको जहाँ से लेकर आए वहीं वापस छोड़ कर आओ अभी के अभी। आहिस्ता बोलो, एक तो पागल इंसान और तुम ही पालोगी इसको, बोल रहा हूँ मैं, कोई वापस नहीं जाएगी। तो कुछ नहीं चाहोगे हो? अच्छा आ जाओ, आ जाओ पापा के पास, आ जाओ आ जाओ, कि गुड ओके चेंज यू गुड। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। अम्मा
मामा। कहाँ चले गए? शायद अस्पताल गए होंगे। भाई क्या रवैया है तुम्हारी छोटी बेगम का? थोड़ी नाराज है कमरे में है पर मान जाएगी। हंगामा तो नहीं करेगी? अरे नहीं करेगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक मुसीबत से निकलते नहीं हो, दूसरे के अंदर अपने आप को फंसा लेते हो। अब आपको क्या करना है? मेरी मुसीबत है ना, मैं देख लूंगा और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आप बस इस बात पे खुश हो ना घर में पोती आई आपकी। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं बोतलें धोंगी, डायपर चेंज करूंगी, बच्चे का ख्याल रखूंगी ना, गलत फहमी है। मैंने कोई काम नहीं करना। बस हमेशा की तरह बस अपने आराम की फिक्र। हाँ फिक्र है ना। अरे तो इस बात पे कोई खुश क्यों नहीं है कि आप लोगों का सगा खून आया घर में, इतनी प्यारी सी परी जैसी पोती आई है और आप लोग है कि... पर भाई ये तो बहुत छोटी है, इसको तो माँ की जरूरत है। देखिए रो रही है वो। ये तो माँ है ना, अभी थोड़ी नाराज है पर जल्दी मान जाएगी। है ना इसकी माँ, और उतनी देर में अगर पुलिस केस बन गया फिर? अच्छा आप बस हमेशा की तरह अपने बेटे को अंडर एस्टिमेट कर ले। कोई पुलिस केस नहीं बनेगा, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। आप बस ठंडे हो जाए। ठंडे हो जाए, वही होगा जो चाहता हूँ मैं। देखिए किसे रो रही है। चुप कर जाओ, देखो कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही हो, उल्टा परेशान हो रही हो। अम्मा गुड़िया कहाँ है? सब सही है, तुम क्यों परेशान हो रही? अभी तो सब सही हुआ है भाई। अम्मा वो अम्मा को हैदराबाद की बस में बिठाने गया था। सगदन खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें याद कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले मरमरा आ जाएं दोनों बहनों को मिलवा दे। गुड़िया को भी ले गई, कैसे संभालेंगी वहाँ? मुझे कॉल करते थे भाई तो मैं छुट्टी लेके आ जाती ना। नहीं अम्मा के साथ गुड़िया क्यों होगी, वो तो अपनी जगह पे होगी। हाँ किस जगह पर? मैं कुछ पूछ रही हूँ भाई, गुड़िया किधर है? कहाँ है मेरी, कहाँ है गुड़िया? जो माँ से होना चाहिए अपने बाप के पास। तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है, माँ बीमार है तो मैंने सोचा। क्या मेरे साथ जा? आने तो बस कहते सोचते आने, बेटी है ना मेरी वो कैसे आग दिया सोचते का आपको? चलो, चलो। कहाँ? जहाँ मेरी बेटी को फेंक कर आए, अपने माथे से जिल्लत का दाग हटा। चलो भाई चलो प्लीज। अहमद का एड्रेस दो। वरना? वरना कुछ नहीं बचे, ना तुम और ना वो, तो चलो। भरत
अपने शौहर का पता मुझसे पूछ रही? बेखैरत, बताओ तुम्हें मैं। भाई, मुझे अहमद का बता दो, चलो। होश में आओ। बड़ा, बड़ा क्या कर लोगे? ना होश ठिकाने लगाने आता है मुझे, हटो। अल्लाह के वास्ते कोई है? ये बच्ची रोई जा रही, कोई आके रोके ऐसे? सर में दर्द हो गई है मेरे। क्या हो गया आपको? अरे अम्मा, देखिए वो रो रही है। और मैं क्यों देखूं? अपनी बीवी से कहो ना। अरे वो जब से मैं आया हूँ कमरा लॉक करके बैठी है, उसको क्या बोलूं मैं? आप ही देख लीजिए ना। अरे जबान तो बड़ी चल रही थी तुम्हारी पहले के, वो संभाल लेगी सब कुछ, अब बोलो ना उससे। चलो चलो चुप कराओ उसे किसी तरीके से। अरे अम्मा, इसने तो कर दिया अभी। प्लीज इसका डायपर चेंज करना होगा, वो तो चेंज कीजिए, वरना पूरे घर में भूख फैल जाएगी। तभी तो कहते हैं माँ के पैरों के नीचे ना जन्नत होती है। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। शुक्र है अपनी शक्ल तो दिखाई तुमने। रात के खाने का कुछ सोचो, बहुत भूख लग रही है अभी से। ठीक, देखते हैं। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? किचन। इसको देखो ना, इसका डायपर बदलना है शायद, बहुत स्मेल आ रही है, कब से बेचारी रो रही थी। और ये जो रोई जा रही है इसको तो देख लो, ये मेरी बच्ची नहीं, इसको इसकी माँ की जरूरत है, इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ। अरे मशवरा नहीं चाहिए बीवी, काम करो काम करो। अरे माँ नहीं हो पर औरत तो हो ना। अरे अम्मा मिट्टी डालें इस पे, आप तो देख लें। अरे दो दो बीवियां पाली हुई हैं, उनसे काम करवाओ ना, मैं ये सब गंदा काम क्यों करूं? अरे आप कर देना अगर वो नहीं कर रही तो। अच्छा सुनो, कायनात का कुछ सोचा है तुमने? देखिए जब उसका वक्त आएगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ प्लीज वो कर दीजिए। अच्छा चलो देखते हैं क्या सोचा हुआ है तुमने। अहमद दरवाजा खोलो, अहमद दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची मुझे वापस करो, दरवाजा खोलो। अहमद को बुलाओ। इधर तो कोई नहीं रहता। क्या मतलब कोई नहीं रहता? अहमद को बुलाओ बाहर। इधर कोई नहीं रहता, पता नहीं कहाँ चले गए। हादी, अहमद मेरी बेटी को उठा कर लेंगे। मुझे नहीं पता कहाँ, मुझे कोमल के घर का एड्रेस भेजो, काम ही उसके साथ मिला हुआ है। इस वक्त मैं रोड पे हूँ, तो मुझे मैसेज करो।
बहुत जल्दी दिखाई आपने, क्या टाइमिंग है? तुम ठीक हो? मुझे ये बताएं कि आपको मेरी याद कैसे आई? अहमद बच्चे को उठा लाया है। जी, आपको तो आजादी मिल गई ना, जाएं अपनी कायनात के पास और जाके निकाह के दो बोल पढ़वा लें। और कोई अहमद की तरह गिरा हुआ और घटिया नहीं होता। एक तो वो एक बच्ची को अपनी माँ से छीन लाया और ऊपर से तुम्हारे तेवर देखो। कायनात एक चलाक लड़की, उसने खुद अपनी बच्ची से जान छुड़वाई है। कोमल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बेतुकी बातें बोली जा रही हो? मेरी एक बात याद रखो, कायनात इस वक्त अपनी बच्ची को ना पूरी दुनिया में ढूंढती फिर रही है और उसका भाई भी मिला हुआ है इस वारदात में। लेकिन याद रखना, अहमद जो बच्ची को उठा के लेकर आया ना, वो बच्ची हार्ट पेशेंट, ख्याल रखना उसका। अगर खुदा ना खास्ता इस रस्सा कशी में वो बच्ची मर गई ना, तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ जरूर मर जाएगा। मैं जानता हूं तुम कैसी हो, किसी मासूम से किसी और का बदला ना लेना। एक बार हक का साथ दो, सिर्फ एक बार। और ये बात भी याद रखो कि उसकी मां सड़क पे खड़ी हुई है और तुम उसकी जगह हो। बाय। हर तरफ धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं। छूले कर कोई बादल, यहां आया नहीं। बरसात से धोखा खाया। ख्याल रखना उसका, हार्ट पेशेंट है वो। अगर खुदा ना खास्ता इस रस्सा कशी में वो बच्ची मर गई ना, तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ जरूर मर जाएगा। तुम अपनी माँ की आगोश में जा बेटी, कहां छुपा के रखा है? भाभी, हम अकेले हैं यहां पर। कायनात, आप आइए ना, बैठिए। ये ड्रामेबाजी बंद करो और मुझे मेरी बेटी वापस करो। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। आए हाय, कानों में सुराख कर देने हैं क्या? कौन है? अरे कहाँ भर गए हो सब? आ रही हूँ भाई। ओ भाई, लगता है दरवाज़ा खोलो। कौन है भाई? मुझे अहमद का एड्रेस चाहिए। तुम दोनों बहन भाइयों ने तो इस घर का रास्ता ही देख लिया। तुम नहीं आती तो वो आ जाता है रिश्ता लेके। क्या चाहते हो भाई? ले जाओ हादी को, घर ही ले जाओ अपने, अगर चैन नहीं आ रहा उसके बगैर तो। अपनी फजूल बातें बंद करो, मुझे अहमद के नए घर का एड्रेस दीजिए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे यहाँ आने की? ये शरीफों का मोहल्ला है लड़की। अगर आपने मुझे अहमद के घर का एड्रेस नहीं दिया तो मैं आप सबके खिलाफ FIR कटाऊंगी। फिर सारी शराफत ये शरीफों का मोहल्ला भी देखेगा, जब आप सब हवालात में बंद होंगे, अहमद और आपकी बेटी कोमल भी। अच्छा, धमका रही हो हमें, डरा रही हो? नहीं मिलेगा कोई एड्रेस वेड्रेस, जाओ कर लो जो करना है तुमने। देखिए मुझे प्लीज एड्रेस दे दे, मेरी बेटी मेरी जिंदगी का वाहिद असासा है। अगर आपने मुझे एड्रेस नहीं दिया ना, तो मैं सारे घर को आग लगा दूंगी।
इसको आग लगाओ। आ गया तुम्हारा कुछ लगता, यही है जिम्मेदार हर चीज का। कायनात, मैं आपको एड्रेस देने वाला था कि आपने फोन बंद कर दिया। मैंने आपको मैसेज किया, आपने अपना मैसेज चेक नहीं किया। यकीन जानो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, यहाँ से आगे तक का सफर मैं अकेले ही तय करूंगी। थैंक यू। तुम लोग दुश्मन हो इस घर के, सांप पाले हुए हमने घर में। मुसीबत पता नहीं कब जान छूटेगी। आंटी, वो बच्चे के दूध के डब्बे के पैसे चाहिए। तो मेरे पास तो नहीं है, अहमद से ले लूं। जी आप जानती तो हैं उसका दूध अलग से आता है। अरे खूब चोंच लें, हमारे जमाने तो भैंस का दूध दिया जाता था। वो आम बच्ची नहीं है और ये बात आप भी जानती हैं ना। मुझे पैसे दे वरना शॉप्स बंद हो जाएंगी। ऐसे थोड़ी देर पहले तो उसकी शक्ल देखने के लिए नहीं तैयार थी तुम, अब एकदम से इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई है? आंटी देर हो रही है, अभी वो उठ जाएगी फिर रोने लगेगी। दिमाग खराब किया है, थोड़े से पड़े मेरे पास। ये लो बस मेरी जान छोड़ दो और ये खुला लाके दे देना, जाओ दिमाग मत खराब करो मेरा। सुई है भाई ये तो जंग शुदा, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। बस 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 बस। अरे क्या हो गया अम्मा, इतना क्यों रो रही है? पता नहीं बेटा, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। नहीं मतलब सही नहीं लग रहा तो क्या मतलब वो? ये नॉर्मल नहीं है बेटा, लगता है किसी गले में कुछ फंसा है। अम्मा आपको इतना एक्सपीरियंस है, हमें पाला है आपने, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। तुम ना इसको इसकी माँ के पास वापस ले जाओ बेटा। माँ क्या करेगी, वो डॉक्टर थोड़ी है। एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाओ। अच्छा जल्दी करो, नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आयशा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपा के रखा है? भाभी हम अकेले हैं यहाँ पर। कायनात आप आइए ना, बैठिए। ये ड्रामेबाजी बंद करो और मुझे मेरी बेटी वापस करो। कहाँ छुपा के रखा है? आयशा, आयशा यही तो थी, यही कहीं होगी। झूठ मत बोलो, कहाँ लेके गए उसे, कहाँ छुपा के रखा मेरी बेटी को? सच कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो ये देखे उसके लिए दूध लेने गई थी। ये अपनी बकवास बंद करो और फोन लगाओ अहमद को, फोन लगाओ। अच्छा मैं कॉल कर रही हूँ, एक सेकेंड। हेलो अहमद, आयशा कहाँ है? हम घर पे नहीं है, कहाँ लेकर गए आप उसे? ठीक है, आयशा की तबीयत खराब हो गई है, वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल से लाया, करीब में कौन सा हॉस्पिटल है? अहमद को फोन करो, फोन करो अहमद को, उससे पूछो हॉस्पिटल का एड्रेस। हाँ मैं कर रही हूँ। हेलो अहमद, कौन से हॉस्पिटल है? फोन अहमद कहाँ है, कहाँ हो तुम, कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है सही है। कायनात प्लीज एक बार इत्मीनान से मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। देखो मैं जानता हूँ मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तकलीफ? तकलीफ? I'm sorry. माफ कर दो मुझे। तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाऊंगी मैं। अरे यार किस बात की FIR कटाऊंगी, मैं उस बच्ची का बाप हूँ, तुम माँ हो, मैं कह रहा हूँ साथ चलो मेरे, मिलके हर मसले का हल निकाल लेंगे। देखो देखो क्या कह रहे हैं। अरे ठीक ही तो कह रहा है। क्या होश में हो तुम? भाई हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। बिल्कुल,
मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्या चाहिए था तुम्हें? बेटी चाहिए थी ना, तो बेटी के साथ अब शौहर भी तो मिल रहा है। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? घर जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। अब जब शौहर लेने आया तो नखरे दिखा रही हो। जानते हो, ऑलरेडी शादी की भी इसने। उस घर में इसके नाम पर दूसरी औरत पड़ी भी है। अरे तो क्या हुआ, शरण इसे चार की इजाजत है? कौन सा निराला काम किया है इसने? कैसे आदमी हो तुम लोग? तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हें दिख नहीं रहा। कायनात प्लीज, मेरे घर के दरवाजे तो हमेशा से तुम्हारे लिए खुले थे। तुम चाहो तो अभी चलो मेरे साथ। ना क्यों सोच रही हो? खुश नसीब हो जो तुम्हें दूसरी बार बसने का मौका मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं सोचना। कायनात, अबे गुस्से में आओ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। गलती मैंने की है ना, तकलीफ मैंने पहुंचाई है तुम्हें, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हारी बच्ची को नहीं। प्लीज एक बार उसके बारे में सोच लो, प्लीज। आमा, समझा लेना उसे सही से, थोड़ा परेशान है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अहमद के पास वापस भेजने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वहां तो पहले ही उसकी सौकन बैठी हुई है। वो तो अचानक उसने ये बात कही, लेकिन अकलबंदी की बात कही है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ज्यादा सोचने मत देना। अच्छा हेलो। वो आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा मैं हाल पूछ लूं, आप ठीक है? वो जी थैंक यू ठीक है, वो और मेरे पास है, अब से मेरे पास। आई एम सॉरी मैंने आपको एक मरतबा फिर तकलीफ दी। नहीं है, थैंक यू, हाफिज। छोटा बच्चा, कोमल अम्मा को कह देना मुझे कॉल नहीं करेंगे, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम बात किस तरह कर रही हो, और इतना एटीट्यूड किस बात का? तुम मुझसे ये सवाल कर भी कैसे सकते? आज जो कुछ इस घर में हुआ है उसके बाद तुम्हें कोई एहसास नहीं, कोई पछतावा नहीं? पछतावा किस बात का? पछतावा शादी के फौरन बाद तुम्हें अपने बारे में एक बात बताई थी ना,
मेरा आज, मेरा कल, मेरी सच्चाई सब तो जानती हो, और उस वक्त तो जा भी सकती थी, फिर गई क्यों नहीं? अब जो रुक गई हूं तो जरा तमीज में रुको। अम्मा को बता देना फोन नहीं करे मुझे, आने में देर हो जाएगी। भाभी, कायनात का भाई बहुत जंगली है, मुझे तो डर है कहीं वो मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचा दे। हमारा अपना भाई भी कोई फरिश्ता नहीं है सर। भाभी, हादी पर इन सब बातों का कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा। इस घर को आग लग गई है और तुम सबको सब अपनी पड़ी, सिर्फ अपनी। भाभी, अगर आपने अपने भाई के बारे में कुछ भी कहा ना, तो हादी कभी पलट कर नहीं देखेगा मेरी तरफ। भाभी, अब समझ रही है ना? आप बस एक बार मेरा और उसका मामला करवा दें, उसके बाद जो जी चाहे आप करें, मैं आपका साथ दूंगी। आ गए आप भी मेरा सौदा करके। आप भी मिली हुई है ना? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अम्मा, आप सब मिले, कभी सोचा अगर मैं यहां से चली जाऊं तो आपका क्या होगा? पाल लेगा आपको आपका बेटा? मैंने जो भी सोचा माँ बनकर सोचा है बेटा। माँ, ऐसा सोचती तो एक माँ से उसकी बच्ची जुदा ना होती। आपको पता है कल इसकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी? मेरे गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कायनात बेटा, खुद को मेरी जगह रखकर जरा सोचो तो सही। जिस तरह मैं लोगों के सवालों के जवाब दे रही हूँ, एक दिन अगर तुम्हें या गुड़िया को उनके सवालों के जवाब देने पड़ गए तो। हाँ, मैं माँ बनकर खुद गर्ज बन गई थी। मैंने सोचा कि एक बार फिर तुम्हारा घर बस जाए, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया की ऐसी हालत हो जाएगी। मैंने सोचा कि वो बाप के पास रहेगी तो तुम्हें अपने बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या माँ बनने का सफर इतना तवील और मुश्किल होता है? मैंने औलाद की हैसियत से आपको बहुत दुख दिया ना माँ। नहीं बेटा। अम्मा, इन शाखा साइयों में किधर से किधर ले आई? ये दुनिया जीने नहीं देती, नहीं बख्शती किसी को भी। क्या कुछ नहीं सुना, किसी ने खुल्लम खुल्ला कहा और किसी ने लपेट लिपाट कर। तो फिर आपका दिल तो बहुत दुखा होगा, बताइए ना। अब छोड़ो ना कायनात, लोग तो कहते ही रहते हैं बेटा। मेरा दिल भी बहुत दुख रहा था, बहुत बेचैन था गुड़िया के बगैर। अजीब महसूस हो रहा था, क्या ये सब मेरी वजह से आपके साथ भी हुआ? तुम्हें क्या हो गया है कायनात? ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि आपका या मेरा, किसका दुख ज्यादा भारी है?
कामी सही कह रहा है। आप क्या चाहती हैं? चाहती हैं कि मैं चली जाऊं जहां से वापसी के लिए तवील सफर तय करके आई हूं? हाँ नहीं, मुझसे नहीं होगा, उसने आपको बहुत नुकसान पहुंचा है। मैंने उसे माफ कर दिया है, गलती इंसान से ही होती है। ये मत भूलो कि तुम एक लड़की की माँ हो जिसको तहफ्फुज देना एक अकेली माँ के लिए नामुमकिन है बेटा। मैं अकेली नहीं, फिर से तलाक ले लो और हादी तुम्हारा हाथ थाम लेगा। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है के, क्या सितम है के, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा।